बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। और स्वागत तो हम ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि आप लोग गेस्ट हैं। ठीक है, हम आपका स्वागत कर रहे हैं भाई, गेस्ट ही हैं, समझ रहे हैं ना। आपकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि आप वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तभी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जब तक आप नहीं देखेंगे तो शायद इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। सो डेफिनेटली आप लोग गेस्ट हैं। और फैमिली कब बनेंगे पता नहीं, फैमिली बन जाएंगे तो बेहतर है, हाँ चीज़ें और बेहतर होंगी। नहीं, गेस्ट की तरह अगर रहेंगे, गेस्ट अपीयरेंस देंगे, तो आई डोंट नो कि आप कहाँ कहाँ गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं। फिलहाल बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर में ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगा आपको, हो सकता है एक साथ ही सब लाइव हो, लेकिन जब भी मिलेगा आप कंटिन्यूअसली पूरा लेक्चर देखिएगा। ठीक है, जितना भी अवेलेबल होगा। और पीछे के वीडियो जो है ना, पीछे के लेक्चर जो अभी मैं रिसेंटली ऐड कर रहा हूँ, प्लीज़ डू वॉच। और एक इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी मैंने डाली है, स्ट्रेटजी 1 एंड स्ट्रेटजी 2, और उसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी, एक वीडियो मैंने डाली थी गारंटीड सक्सेस की, जिसमें मैंने 2:2:1 फार्मूला बनाया है। ठीक है, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया फार्मूला है। ठीक है, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया फार्मूला है और ये बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है, 9-10 मिनट की है, प्लीज़ डू वॉच, उसको देखिए और समझिए कि ये कैसे प्लान, ये वर्क कैसे करेगा। और अगर नहीं समझ में आया कुछ ना, तो फिर बताइएगा, फिर मैं और इसको डिटेल में खोल के समझाऊंगा। मोर देन इनफ है, लेकिन फिर दूसरे तरीके से वीडियो मैं बनाऊंगा ऐसे आपके प्लान के लिए और आपकी चीज़ों के लिए कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसमें इस एस्पेक्ट को मैं हमेशा इंक्लूड करूँगा। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वन हेल ऑफ द स्ट्रेटजी। ओ लिटरली दिस इज़ वन हेल ऑफ ए स्ट्रेटजी, इफ़ यू फॉलो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। लेकिन बस मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, फॉलो करना। मुश्किल क्या है, फॉलो करना। अरे मुझे फॉलो नहीं करना है, मुझे फॉलो करो या नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन फॉलो दी स्ट्रेटजी, फॉलो दी प्लान, फॉलो दी फार्मूला, समझ रहे हैं ना, ये फॉलो करना है। और ये बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं, जान लीजिए। ये वैसे ही है जैसे अपना मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है ना, वैसे ही ये भी है। ठीक है, फिलहाल चलिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी के दूसरे लेक्चर में चलते हैं। पहले लेक्चर में हमने मीनिंग समझाया था बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, मीनिंग मीनिंग बताया था अच्छे से आपको, और आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया था कि ऑल ऑल डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, या हम सिंपली बोल दें ऑल लाइफ फॉर्म्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल लाइफ फॉर्म्स, या हम बोलते हैं ऑल वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ऑन दी अर्थ प्लैनेट, यही है बेसिक सा डेफिनेशन अगर बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। तो किसी ने पूछा आपसे तो यू जस्ट रिस्पॉन्ड दिस, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ठीक है, इसके बाद हमने तीन लेवल पर पढ़ा था, जेनेटिक, नो स्पीसीज, एंड देन इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम बोथ आर राइट, क्लियर। नाउ इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, एंड द अप्रॉक्सीमेट स्पीसीज ऑन द अर्थ प्लैनेट विच आर नॉट डिस्क्राइब्ड, और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ प्लैनेट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे। अच्छा, मैं हिंदी में बोल रहा था ना, हिंदी में ही ठीक है, अदरवाइज मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा कम्प्लीटली तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उतना तो मुझे आती है बोलना, पढ़ाने भर की तो अंग्रेजी में बड़े अच्छे से बोल लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं भाई नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, बनारस से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, सो माई मदर टंग इज़ हिंदी एंड भोजपुरी। ठीक है, माई मदर टंग इज़ हिंदी एंड भोजपुरी, और इंग्लिश ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई की है इंग्लिश में, है दिल्ली में भी रहे हैं, बाकी चीज़ें की हैं,
अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया है हर जगह पे, तो वो कन्वर्सेशन ठीक है, हो जाता है। वैन यू डू, जब आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हो रेगुलर बेसिस पे, तो वो आसान हो जाता है। बट आपको समझ में आना चाहिए, कभी कोई अंग्रेजी में बोले ना तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रहे। बोल पाते हैं कितना अच्छे से नहीं पता नहीं, ठीक है। हाँ, मैं शशि थरूर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत ब्रिलियंट इंग्लिश स्पीकर हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही नॉर्मल सा स्पीकर हूँ, जितना ज़रूरत का काम है उतना मैं कर लेता हूँ बड़े आराम से। हाँ, राइटिंग मेरा ज़्यादा बेहतर है बोलने से। इफ़ यू आस्क मी, आई विल राइट अ ग्रेट एप्लीकेशन, आई विल राइट अ ग्रेट आंसर। बट चलिए, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो IUCN के अकॉर्डिंग, देखिए IUCN का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको शॉर्ट में केवल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। 2004 का एस्टिमेशन है, इन्होंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब, ये ध्यान रखना है, डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। कहने का मतलब है, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, यही IUCN है जो कि रेड डाटा बुक पब्लिश करते हैं, समझ रहे हैं ना, रेड डाटा बुक याद रखिएगा। रेड डाटा बुक में क्या होता है, रेड डाटा बुक में हमको किसी भी स्पीसीज के ना स्टैंडर्ड का पता लगता है, स्टेटस का पता लगता है, ठीक है, स्टेटस कि उसका स्टेटस क्या है, वो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, मतलब थ्रेटेंड है कि नहीं है, क्या स्टेटस है उस स्पीसीज का, ये रेड डेटा बुक जो है बताता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग, IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन, स्लाइटली मोर देन, तो अराउंड 1.5 मिलियन मांगी। ये नोन एंड डिस्क्राइब्ड है, क्या है, नोन एंड डिस्क्राइब्ड, मतलब उसकी डिटेलिंग की गई इनके द्वारा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये है ना, वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। अभी हमको ये आइडिया नहीं है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एक्चुअली में कितना हो सकती हैं, और मुश्किल भी है, इतना बड़ा अर्थ प्लेनेट है, पूरा समुंदर से लेके आकाश पाताल, कहते ना कि आकाश पाताल सब एक कर देंगे तुमको पाने के लिए, हाँ ऐसे लोग बोलते हैं ना, लेकिन जब आती है बात सच में कुछ करने की तो फिर पीछे हट जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो 0.00001% ऐसे होंगे लोग शायद, ठीक है, जो लिटरली आपको किसी भी कंडीशन में जो है ना, आपका हाथ अगर थाम लिए हैं तो पकड़े रहे। अरे, हाथ थामने का मतलब ये नहीं होता है खाली प्यार मोहब्बत में, मतलब किसी भी लेवल पे, दोस्ती है तो, दुश्मनी है तो, ठीक है। वो परसेंटेज बहुत कम है, और अगर कोई ऐसा मिले आपको ना, तो प्लीज़ डू केयर अबाउट दैट, डू केयर अबाउट देम, मतलब ऐसे लोग बहुत ही विरले मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयरली मिलते हैं। सो ध्यान रखना है ये भी लाइफ में। तो अभी तक इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं, तो हमको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना अभी स्पीसीज ऐसा है जो कि अनडिस्कवर्ड है, ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी क्लियर आइडिया अबाउट दी अनडिस्कवर्ड स्पीसीज, और विच इज नॉट डिस्कवर्ड, विच आर नॉट डिस्कवर्ड येट, वी डू नॉट हैव एनी क्लियर आइडिया, बट अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट, मतलब देर आर साइंटिस्ट ऑब्वियसली, देर आर इकोलॉजिस्ट हु आर वर्किंग, देर आर टेक्सोनॉमिस्ट हु आर वर्किंग, सो अकॉर्डिंग टू देम दे हैव अर्लियर एस्टिमेटेड दैट देर आर अराउंड 20 to 50 मिलियन स्पीसीज टोटल, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स है ये, देख रहे हैं ना, इन्होंने ये बोला। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे, ये ध्यान रखिएगा नाम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, और ये सारे जो पॉइंट बता रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्लियर है कि नहीं। इनके अकॉर्डिंग जो है ना, टोटल जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, इन्होंने बोला कहा कि ये अराउंड जो है ना 7 मिलियन के करीब है। तो कन्फ्यूजन देखिए यहाँ होता है, और इसको लेके और इसमें लेके, IUCN ने बोला 1.5 मिलियन नोन एंड डिस्क्राइब, क्लियर। रॉबर्ट मे ने बोला 7 मिलियन, ये क्या है, ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का इन्होंने बोला कि इतना टोटल स्पीसीज हो सकता है, ठीक है, और
जो एक्सट्रीम एस्टिमेट है, एक्सट्रीम एस्टिमेट कितना है, 20 से 50 मिलियन का रेंज बताया गया था और लोगों के द्वारा। क्लियर है, यहाँ का डेटा क्लियर रहेगा आपको। ओके, अब यहाँ पे आते हैं कि ये है डाइवर्सिटी की इन्वेंटरी। इन्वेंटरी होता है ना, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक इसको इन्वेंटरी भी बोलते हैं ना, इन्वेंटरी। तो यहाँ पे दिया हुआ है पाई चार्ट के थ्रू। ये पाई चार्ट है, बनाने आता है कि आप पाई चार्ट बनाने आता है? ये पाई वो खाने वाला पाई नहीं है, ठीक है, पाई चार्ट है। इसमें देखिए इन्वर्टिब्रेट्स की इन्वेंटरी है, वर्टिब्रेट्स की इन्वेंटरी है और प्लांट्स की इन्वेंटरी है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रिटेन वाले पोर्शन में हम इसी को देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी आप एस्टिमेट जो है ना लगा सकते हैं देख के। जैसे आपको यहीं पे बता देते हैं पहले कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इमेजेस को समझा जाता है और कैसे क्वेश्चन उठता है। क्लियर है? यहाँ पे आप देखिए, ये इंसेक्ट को देखिए, इस पूरे पाई चार्ट में इंसेक्ट का नंबर देख रहे हैं, इतना डाइवर्सिटी है इनका, समझ रहे ना? मतलब अगर इन्वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, हाईएस्ट नंबर किसका आपको दिख रहा है, इंसेक्ट का, समझ रहे ना? बाकी सब छोड़ दीजिए, लेकिन हाईएस्ट किसका है, इंसेक्ट का है। दिस इज द क्वेश्चन, समझ रहे हैं? नहीं, वर्टिब्रेट्स के केस में आते हैं, इसमें तो डिफरेंस पता होगा ना, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रल कॉलम, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, ठीक है। सब रात को ट्रैक्टर लेके दौड़ते हैं ना, क्लियर है? यहाँ पे देखिए फिशेस की डाइवर्सिटी जो है ना, ये आधा है लगभग, ये देखिए पाई का आधा खींच दीजिए, कौन है, इनवर्टिब्रेट्स हैं इसमें फिशेस, समझ रहे हैं? ये देखिए आपको यही याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैमल्स और बर्ड्स की अगर बात करता है तो मैमल्स की डाइवर्सिटी अप्रॉक्स सबसे कम है, देख रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि सबसे कम है। यहाँ एम्फीबियंस के लगभग बराबर दिखाई गई है, लेकिन मैमल्स जो है ना सबसे कम है अमंग दी वर्टिब्रेट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट के केस में देखेंगे तो आपको फंजाई एक तरफ सबसे ज़्यादा दिख रहा है और एक तरफ क्या दिख रहा है, एंजियोस्पर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट दिया नहीं है, वर्ड्स इसमें होगा, जो लिखा हुआ पोर्शन है इसमें होगा, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको अगर ये दे दे पाई चार्ट दे दे एग्जाम में, और यहाँ पे ये नाम हटा के केवल ए बी सी डी कर दे, ए बी, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कर दे ए क्या है, ऐसे तीनों दे दे और ये पूछ दे कि ये क्या था, समझ रहे कि नहीं, और ऑप्शन बना दे 4 ठो 5 ठो, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब आते हैं इसके रिटन पार्ट में, आपको मिल जाएगा। अब पूरा अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है ना, इसकी इन्वेंट्री हम देखते हैं, क्या है, मोर देन 70%, सी हियर डेटा, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, पहली पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ हो गया कि जो 70% से ज़्यादा, मोर देन 70% जो स्पीसीज है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का, ऑफ ऑल स्पीसीज और क्या है, ये एनिमल है, पहला पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। देखिए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी खोल के इसलिए पढ़ाता हूँ, कोई पॉइंट छूटे ना, पहली बात। और दूसरा ये है कि भाई मैं अकेले काम करता हूँ, ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, हाँ, मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, और मैं यहाँ पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा प्रेजेंस बढ़े, क्योंकि उसी की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट को लोग जानेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे वो नाम बायोब्लास्ट कर दिया है, इंस्टीट्यूट का नाम मेरे आईएसएल है, इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, क्लियर है? मेरे पर्पज़ यही है बस बाप, ठीक है। अदरवाइज आप लोग भाई बंधु से विनती है कि मैं इसको स्लाइड पे ही बना के पढ़ा सकता हूँ। मैं पढ़ाता था, क्लास में भी ले जाता था प्रोजेक्टर पे पढ़ाने के लिए, स्लाइड बनाता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि स्लाइड बनाने का क्या फ़ायदा, यहीं का पूरा कंटेंट मैं उठा लेता हूँ, सब लोग यहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो एनसीईआरटी से बाहर का कंटेंट उठाते हैं? नहीं नहीं भाई, सेम कंटेंट उठाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, उसको बस स्लाइड के फॉर्म में बना देते हैं, हम भी बनाते थे। हाँ, उसके साथ मैं और इमेजेज ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ ब्रायोफाइट लिखा हुआ है तो मैं ब्रायोफाइट की इमेज बताऊंगा आपको, जिम्नोस्पर्म का इमेज ला के रखूंगा, एंजियोस्पर्म का इमेज ला के रखूंगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन और बेहतर हो सके। लेकिन फिर भी मैं विजुअलाइज करने के लिए आपको बोलता हूँ, बायोलॉजी वही है, जिसने विजुअलाइज इतने अच्छे से कर लिया
समझ लीजिए बायोलॉजी उसकी आसान है। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, स्पेशली फिजिक्स में अगर आप विजुलाइज कर लिए तो फिर कहानी बन जाएगी। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा ये वाला। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। अब ध्यान दीजिए इसमें एनिमल बोल दिया और यहाँ पे बोल दिया प्लांट के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। अमंग एनिमल्स, अब एनिमल्स की बात करता है तो इंसेक्ट, अभी हमने नीचे देखा पाई चार्ट में इंसेक्ट जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कितना है मोर देन 70%, ये भी। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। लीजिए भैया इसी को इन्होंने वर्ड में लिख दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारे पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, इसी को इन्होंने तोड़ के रख दिया। क्लियर है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, कैसे कर सकते हैं बताइए, कैसे कर सकते हैं आप बताइए, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ढूंढिएगा कि कैसे है, कैसे हम इतना ज़्यादा इनमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो गया। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कम्बाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखिए इसमें कंपेरिजन किसको किया है, इसको, ठीक है, फिशेस को कंबाइन किया, एम्फीबियंस को कंबाइन कंबाइन किया, रेप्टाइल्स को कंबाइन किया और मैमल्स को, बर्ड को छोड़ दिया है, नहीं बर्ड को छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है। और इसका कंपेरिजन क्या बोला है कि जो फंजाई है ना ये ज़्यादा है किससे, इन सबसे, मतलब फंजाई की अगर हम बात करें, फंजाई का पॉपुलेशन मोर देन कंबाइन किसका, फिश प्लस मैमल्स प्लस रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस, फिश मैमल्स रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस टुगेदर इज लेस देन दी नंबर ऑफ फंजाई। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर इधर इसको बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब इसी चीज़ को यहाँ पे बोल दिया है, बायोडाइवर्सिटी इज डिपेक्टेड शोइंग दिस स्पीसीज, क्लियर है कि नहीं। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स, ये क्लियर है। यहाँ पे कहीं पे प्रोकैरियोट का नाम दिखा है, एस्टिमेशन दिखा है क्या, नहीं दिखा है। इनकी डाइवर्सिटी बहुत है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। आप एक ऐसे निडिल लेते हैं सपोज, ठीक है, निडिल है ना ऐसे, तो निडिल की नोक जो होती है ना, या आप फिंगर जो टिप है आपका, फिंगर टिप पे आपको लाखों बैक्टीरिया उस पे होते हैं। आप कभी माइक्रोस्कोप में ऐसे झांक लीजिए किसी भी चीज़ को रख के, फिर आपको दिख जाएगी कि मतलब डाइवर्सिटी कितनी है, सोचिए नंबर कितना हो सकता है उनका। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर हाउ अबाउट मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज दैट देयर माइट बी, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है एस्टिमेशन के बेसिस पे, कि एक तो भाई ये है सुटेबल भी नहीं है, और दूसरा है बहुत सारे ऐसी स्पीसीज हैं जिनका कल्चर नहीं किया जा सकता। नॉट कल्चरेबल का मतलब समझ रहे हैं कि हम अगर कल्चर मीडिया में, जैसे होता है ना लैब में, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो लैब में कल्चर मीडिया में हम ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। कल्चर मीडिया में बेसिकली अगार होता है, चाहे सॉलिड या लिक्विड, और इसके अलावा इसमें और न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम एमएस बोलते हैं, एमएस मीडिया, स्कूप एंड मोरास या मोरास एंड स्कूप। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, मिक्सचर, वन सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि बहुत सारे ऐसी डाइवर्सिटी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, कल्चर नहीं कर सकते। जब कल्चर नहीं कर सकते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, स्टडी नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, ठीक है। जैसे हम वायरस का कल्चर नहीं कर सकते हैं ना, वैसे ही ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो नहीं करा पाते हैं। भाई नेचर अलग है, आप कितना भी कंडीशन प्रोवाइड कर लीजिए, लेकिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि मतलब सॉयल में क्या चीज़ें हैं, वाटर में क्या चीज़ें जो सपोर्ट कर रही है उनको, ठीक है। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनिएटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस, ठीक है। बहुत हो सकती है डाइवर्सिटी,
नंबर तो बहुत होगा, हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अलग अलग, ठीक है। नंबर तो क्या ही कहें, कहें ना कि लाखों तो खाली आपके फिंगर टिप पे होंगे, तो समझ रहे हैं नहीं। तो ये आपको यहाँ से पॉइंट याद रखने हैं भाई, ठीक है, पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ऑल द इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया का जो लैंड एरिया है, टोटल अगर इंडिया के लैंड एरिया की बात करें तो हमारे मतलब धरती का कितना है, मान लीजिए धरती है पूरी, अर्थ है मान लीजिए, ठीक है। तो अर्थ का ना यहाँ से अगर हम कंसिडर करते हैं तो जो भारत है ना इसका लैंड एरिया कितना है, इतू सा है, तो ज़्यादा बना दिया, इतू सा, ठीक है। ये क्या है, 98.6, नो 98.6, 97.6, नॉट 98, ये 97.6 है, ठीक है। और ये जो हमने कलर किया है ये कितना है, ये है आपका इंडिया, ठीक है। ये क्या है, इंडिया, इंडिया का लैंड एरिया कितना है, 2.4%, ठीक है। और ये क्या है, वर्ल्ड है, और ये क्या है, इंडिया, हमने बता दिया, समझ रहे ना। लेकिन ये 2.4%, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है टोटल, उस डाइवर्सिटी का कितना परसेंट शेयर करता है, टोटल डाइवर्सिटी का 8.1%, समझ रहे हैं। हमारी जो कंट्री है बहुत डाइवर्स रिच है, हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, वी आर बिलोंग टू अ मेगा बायोडाइवर्स एरिया, ठीक है। लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसका हमको वैल्यूएशन ही नहीं है, हम डाइवर्सिटी को तो ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, चाहे वो अपने जो डाइवर्सिटी है हमारी कल्चर की डाइवर्सिटी, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, कोशिश करते रहते हैं पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो ये ध्यान रखना है आपको, 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी कितनी है, टोटल डाइवर्सिटी की 8.1%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। और हम, हमारी कंट्री देखिए इसी की वजह से क्या है, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। मेगा डाइवर्स कंट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उनमें से एक है ये, ठीक है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी एज ऑफ एनिमल हैज बिन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडिया। ये क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अब ये देखिए, वही मे का एस्टिमेट था ना, रॉबर्ट मे का एस्टिमेट, तो उसी को बोल रहा है कि कितना अभी है कि जो मतलब अभी वेट कर रही है। तो इफ़ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, मेज का ग्लोबल एस्टिमेट कितना था, 7 मिलियन स्पीसीज, नो ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो 7 मिलियन का इन्होंने बोला था उसमें से कितना है, केवल 22% स्पीसीज जो है अभी तक रिकॉर्ड हो पाई है। तो इसका क्या मतलब है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, मतलब 1.4 मिलियन अराउंड। तो जो IUCN का एस्टिमेट था ना, वही एस्टिमेट ये भी है लगभग, उन्होंने बोला ना स्लाइटली मोर देन दी 1.5 मिलियन, वही एस्टिमेट इनका भी, रॉबर्ट मेज का। तो ये ध्यान रखना, ये भी पॉइंट याद रखना है ना, यू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, वी एस्टिमेट दैट देर आर प्रॉबली मोर देन कई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, नो कई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, एक अच्छा 5 सुनना है ना, 1 लाख, ठीक है। अरे कभी कभी ध्यान से उधर जाए भाई, गलत बोल दिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मैं पढ़ रहा था। एनीवे, चेक दैट आउट, एस्टिमेट दैट देर आर प्रॉबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। ये इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, इंडिया में बोल रहा है कि भाई अभी ऐसा है कि डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज अभी हैं जिनको डिस्कवर और डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा भी हो सकती है ना, मोर देन लिखा है। वुड वी एबल टू कम्प्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ कंट्री, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर टेक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द जॉब, द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस, ठीक है। देन वी रियलाइज दैट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दी स्पीसीज फेसेस अ थ्रेट टू बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। कहने का मतलब है, हमारा जो अभी का कंस्टेंट है कि हमारे पास उतने ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है,
अरे ह्यूमन रिसोर्सेज खाली ऐसा थोड़ी चाहिए कि इलिटरेट चाहिए, प्रॉपर हमको टैक्सोनॉमिस्ट चाहिए, ठीक है। और टैक्सोनॉमिस्ट किस कैटेगरी में आते हैं भैया? दे आर बेसिक साइंसेस पीपल, ठीक है, बेसिक साइंसेस पीपल। और बेसिक साइंस में आज के समय में रिसर्च जो है ना, रिसर्चर बहुत कम है, क्योंकि रिसर्च में लोगों को चाहिए काम, भाई आईआईटी में जाएंगे खाली, ठीक है, हमको इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। बेसिक साइंसेस में कौन आ रहा है आजकल? लोग बायोटेक की तरफ बढ़ रहे हैं, नो, बेसिक साइंस में लोग कम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टेक्सोनॉमिस्ट भी कम हो रहे हैं। और टेक्सोनॉमिस्ट का नंबर हम बढ़ाएंगे जब तक, तब तक पता चला कि जो स्पीसीज डिस्कवर होनी चाहिए तो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि हम जो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थ्रेट का मतलब जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना स्पीसीज का, बहुत ज़्यादा है, तो हमने स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के रेट को बढ़ा दिया है, ठीक है। देयर आर नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट, ठीक है, एक्सटिंक्शन रेट है। कोई भी स्पीसीज जरूरी नहीं कि वो हमेशा मिलियन ऑफ ईयर्स तक चले, नहीं, वो डिपेंड करता है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे, मतलब हैबिटेट कैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक्सटिंक्शन का रेट जो है ना पहले कम था, ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है एक्चुअली, और दिस इज़ द प्रॉब्लम, एक्चुअली दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो क्यों नहीं किया जा सकता? सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो टैक्सोनॉमिस्ट की जो कमी है हमारे कंट्री में या पूरे दुनिया में, और दूसरा है कि भाई जो ये है कि हमारे डिस्कवरी से पहले ही जो हमने ये एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं ना स्पीसीज का, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन जो कर रहे हैं, एक्सप्लाइटेशन एक तो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, और दूसरा एक्सप्लाइटेशन जो हो रहा है, जो हम रास्ता बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया को किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में या रेंचिंग एरिया में या कोई भी अदर सिस्टम में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल है ये ज़रूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसका निगेटिव इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आई थिंक कि आपको आज ये वाला एस्पेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरे लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारे डाइवर्सिटी का पैटर्न है, कि कैसे डाइवर्सिटी जो है ना अर्थ पे चेंज होती है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून, और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए और शेयर भी करिए, ठीक है, अपने दोस्तों यारों में, ताकि देखें वीडियो को, रीच थोड़ा सा बढ़ाइए यार, आप लोग मतलब क्या करते हैं, हाँ, कभी कभी कुछ अच्छे कर्म भी किया करिए, अच्छे कर्मों में ये भी शामिल है, ठीक है। आई नो कि मतलब आप अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों में ये भी शामिल है कि एक अच्छा, अगर कोई आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा है पर्सन, या जो चीज़ें कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है चीज़ों के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा, और पढ़ेंगे तो आपका भी फायदा होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मीनिंग वही है कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल कैसे वेरिएशन होता है। ये लैटिट्यूड है, 0 डिग्री है, दीज आर द लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स ये क्या है, और ऐसे जो होता है ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स, नो, लंबी लंबी लाइन जो है लॉन्गिट्यूड है, जो ऐसे लेटर लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, इनको पैरेलल्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि तो इनके बीच का गैप कहीं ना कम नहीं होता, इनके बीच में गैप बराबर होता है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, समझ रहे ना, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइन्स, क्लियर है, क्लियर है। सबसे जो बड़ा लैटिट्यूड होता है कौन सा होता है, इक्वेटर, पता है कि नहीं? इक्वेटोरियल लाइन जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल लाइन है, 0 डिग्री। सो हम पूरे अर्थ को समझेंगे कि कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है, और कहाँ सबसे ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम होगी। कहीं कहीं थोड़ा वेरिएशन दिखता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन हो सकता है, या कोई और कंडीशन होती है, जियोग्राफिकल कंडीशन, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन जनरल पैटर्न हम पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक आस्पेक्ट इसमें, ठीक है, फिर उसी क्लास में हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप भी देखेंगे, ठीक है, एंड देयर आफ्टर वी रीच टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी एंड लॉसेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अभी हमको लग रहा है 2 या 3 लेक्चर में ये चीज़ें चलेंगी, एक में कंजर्वेशन भी पढ़ना है, ठीक है, ओके, सो हमको लग रहा है 2 लेक्चर और इसमें लगेगा।
मिनिमम 3 भी हो सकता है,